खाना पकाना बाई जेबी जुबैर में आप सबका इस्तकबाल है। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू पालक की इतनी जायकेदार सब्जी कि घर में सब, चाहे वो बड़े हो या बच्चे हो, मांग मांग कर खाएंगे। बहुत ही कम मसालों के साथ बनकर तैयार हो जाती है ये सब्जी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आलू पालक पकाने के लिए लेंगे एक खुला बर्तन। कुकर में नहीं बनाइएगा, फ्लेवर अच्छे से नहीं आता है कुकर में, तो खुले बर्तन में ही पकाएंगे। डालेंगे कढ़ाई में 1/4 कप सरसों का तेल, सरसों के तेल में ही बनाएंगे, और या फिर आप देसी घी में बनाइए तो उसके साथ भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। तेल को अच्छे से गरम करना है और ऐड कर देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 साबुत लाल मिर्च, लाल मिर्च को बीच में से 2 टुकड़ों में करके डालेंगे। 30 सेकंड फ्राई करेंगे जीरे को और लाल मिर्च को, और ऐड कर देंगे 1 प्याज बारीक लंबाई में कटी हुई। प्याज को अभी हमें बहुत ज्यादा लाल नहीं करना है, बस प्याज को 1-2 बार चला लेंगे, और प्याज के साथ ही डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन को प्याज के साथ 1 मिनट हमें फ्राई करना है। अभी हमें प्याज और लहसुन को बहुत सुर्ख नहीं करना है, बस अब ऐड कर देंगे 5 छोटे-छोटे आलू, बीच से काट करके डालेंगे, और अगर आपके पास बड़ा आलू है तो आप आलू को 3-4 टुकड़ों में कट करके डाल सकते हैं। आलू को हमें प्याज और लहसुन के साथ कुछ सेकेंड फ्राई करना है। अब आलू में डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच ग्रेटेड अदरक, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अब इन सारी चीजों को प्याज और लहसुन के साथ गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई करेंगे। आलू को प्याज के साथ हमें फ्राई करना है, और आप देखिए कि प्याज का रंग जो है जब इस तरीके से गोल्डन हो जाएगा, हमें तब तक इसे फ्राई करना है। बस अब ऐड करना है हमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा टमाटर काट करके डालेंगे। अगर आपके पास टमाटर छोटे हो तो आप 2 ले लीजिएगा, मेरा टमाटर काफी बड़ा था तो मैंने 1 डाला है। अब टमाटर को आलू के साथ चला लेना है, और टमाटर को हमें गलाना है, तो ढक्कन लगा देंगे और 2 मिनट ढक्कन लगा करके हम इसे धीमी आंच पर पकाएंगे। लाल मिर्च पाउडर नहीं डालेंगे, क्योंकि साबुत लाल मिर्च और जो हरी मिर्च डाला है उससे उतना तीखापन आ जाएगा। बाकी आप अगर ज्यादा तीखा पसंद करते हैं तो हरी मिर्च को बढ़ा लीजिएगा। तकरीबन 2 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे, टमाटर काफी सॉफ्ट हो गए हैं। चला लेंगे इसको हम। बस अब डालना है हमें पालक, तो लेंगे 1/2 केजी पालक बारीक कटा हुआ। पालक को काट कर 3-4 बार साफ पानी से अच्छे से धो लीजिएगा। बहुत मिट्टी होती है पालक में, अगर अच्छे से आप नहीं धोएंगे तो यही मिट्टी आपके सब्जी को खराब कर सकती है। और साथ ही डाल देंगे 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, और 1/4 चम्मच नमक। नमक हमने आलू पर भी डाला था, तो देखकर अपने जायके के हिसाब से ही नमक डालिएगा। अब ढक्कन लगा देंगे और शुरू में 2 मिनट तेज आंच पर हम इसे पकाएंगे, और 2 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे और मिक्स कर लेंगे। हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, पालक अपना पानी खुद ही छोड़ता है, बहुत ज्यादा पानी होता है इसमें। तो चलाने के बाद अब हम दोबारा से ढक्कन लगाकर गैस की आंच को बिल्कुल स्लो कर देंगे, और धीमी आंच पर 10 मिनट हम इसे पकाएंगे। बीच बीच में 1-2 बार इसे चला लीजिएगा।
अब तकरीबन 10 मिनट के बाद इसका ढक्कन दोबारा से हटाएंगे। बीच में मैंने इसको दो बार चलाया था। अब ये जो आपको पानी दिख रहा है, इसे हमें सुखाना है। पालक तो अच्छे से गल चुका है, अब गैस की आंच को तेज करके इस पानी को सुखा लेंगे। बिल्कुल ड्राई कर देना है पानी हमें, तो तेज आंच पे चलाते हुए हम पानी को सुखाएंगे। अब आप देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और सब्जी अच्छे से पक चुकी है। मैं आपको एक बार आलू भी चेक करा देती हूँ कि आलू गले हैं या नहीं। तो एक आलू को उठाएंगे और बस इस तरीके से कट करेंगे। आलू भी अच्छे से गल चुका है, हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है बन करके। अब सब्जी को सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। सब्जी पे हमें एक तड़का लगाना है, तो वो तड़का हम जब सब्जी सर्व करने जा रहे होंगे हम तभी लगाएंगे। तो मैं पूरी सब्जी को सर्विंग बोल में निकाल लूंगी। ये जो तड़का हम बनाने जा रहे हैं, ये लहसुन का तड़का है जो पालक की सब्जी की जान को 4 गुना और ज्यादा बढ़ा देगा। तो लेंगे एक तड़का पैन और पैन में डालेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी। बस घी हल्का सा गरम करेंगे और साथ ही ऐड कर देंगे 1 साबुत लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन। किसी भी साग के साथ लहसुन का जो तड़का होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे वो सरसों का साग हो या पालक का साग हो। लहसुन को हमें बिल्कुल गोल्डन होने तक फ्राई करना है। अब तड़का बिल्कुल तैयार है, इसको पालक की सब्जी के ऊपर गर्मा गर्म छौंका लगाएंगे और इस सब्जी को रोटी, पराठा, पूरी, दाल, चावल, किसी भी चीज के साथ आप सर्व कर सकते हैं। आपके खाने में मजा आ जाएगा। आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए कि मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।